हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एचसी वर्मा चैप्टर 6 फ्रिक्शन का प्रॉब्लम नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक शोन इन फिगर 6 E4 इज 0.2, फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रीम। तो देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर में आपको तीन ब्लॉक दिखाया हुआ है, दो सस्पेंडेड है स्ट्रिंग के थ्रू और एक आपका टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दी हुई है इस ब्लॉक पे, अच्छा इसको अगर डिनोट करने, मान लीजिए ये हमारा ब्लॉक ए हो गया, ये ब्लॉक बी हो गया और थर्ड जो है 5 kg ब्लॉक उसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ब्लॉक बी और टेबल के बीच की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दी हुई है 0.2। तो इन दोनों स्ट्रिंग में हमें टेंशन फाइंड करनी है। तो मान लीजिए इस स्ट्रिंग में हमारा टेंशन T1 है और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, ठीक है। राइट स्ट्रिंग में टेंशन T2, तो यहाँ भी B पर भी टेंशन T2 अप्लाई होगा और इधर लेफ्ट डायरेक्शन में टेंशन T1, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है आपको देखें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड टेबल इज म्यू इक्वल टू 0.2, ठीक है। और टेंशन हमने एज्यूम किया, उसको भी एज्यूम कर लेते हैं, लेट T1 बी द टेंशन इन द लेफ्ट स्ट्रिंग, लेफ्ट स्ट्रिंग एंड T2 बी द टेंशन इन द राइट स्ट्रिंग। ठीक है। दूसरा आपका देखिए, ये ब्लॉक ए जो है ये 15 kg का है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन ए, ठीक है। अगर निगेटिव आया हमारा एक्सेलरेशन तो अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो थोड़े टाइम के लिए हम इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करते हैं और जब ए डाउनवर्ड मूव करेगा तो सी हमारा अपवर्ड मूव करेगा विथ सेम एक्सेलरेशन ए, मैग्नीट्यूड सेम होगा। और ब्लॉक बी जो है लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन ए, ठीक है, विथ सेम मैग्नीट्यूड। तो लेट ए बी द एक्सेलरेशन, ऑफ ब्लॉक ए इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज ए इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड ब्लॉक सी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है इसमें देखें, ब्लॉक ए बी सी का मास तो दिया हुआ है, तो हमने ब्लॉक ए को रिप्रेजेंट करते हैं एम ए से, ठीक है, ब्लॉक ए के मास को। तो ये हमारा दिया हुआ 15 kg, ब्लॉक बी का मास 5 kg है एम बी, और ब्लॉक सी का भी मास 5 kg है, तो एम बी इक्वल टू एम सी इक्वल टू 5 kg, ठीक है। अब देखिए हमें टेंशन T1 एंड T2 फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम हर एक ब्लॉक का मोशन एनालाइज करेंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए ब्लॉक ए का मोशन पहले हम देखते हैं, मोशन ऑफ ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले, ये हमारा ब्लॉक ए हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लगेगा एम ए जी, मास एम ए है तो एम ए जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन T1 अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा आपका, और एक्सेलरेटेड है ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड ए।
तो फोर्सेस को लिस्ट आउट कर लेते हैं। फोर्सेस क्या क्या फोर्स लग रहा है आपका? पहला एम ए जी डाउनवर्ड्स, ठीक है। दूसरा फोर्स आपका लग रहा है टेंशन टी वन अपवर्ड्स, ठीक है, टेंशन टी वन अपवर्ड्स। तो नेट फोर्स एज हमारा बॉडी यहाँ देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, तो नेट फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम ए जी माइनस टी वन इक्वल टू एम ए इंटू ए। तो यहाँ से हम टी वन हमारा क्या मिल जाएगा, टी वन इक्वल टू एम ए इंटू जी माइनस ए, ठीक है। इसे हम इक्वेशन वन एज्यूम करते हैं। अब देखिए ब्लॉक बी के मोशन को देखते हैं। मोशन ऑफ ब्लॉक बी, मोशन ऑफ ब्लॉक बी, ठीक है। इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे और ये क्या टेबल पर आपका प्लेस्ड है, ठीक है। तो इसमें देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एम बी जी इसका वेट एक्ट करेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए राइट डायरेक्शन में टेंशन टी टू एक्ट करेगा और लेफ्ट डायरेक्शन में टेंशन टी वन, ठीक है। और ये बॉडी हमारा जो बी है एक्सेलरेटेड है टुवार्ड्स लेफ्ट, तो मोशन हमारा लेफ्ट में है तो फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन एफ इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक। तो यहाँ भी फोर्सेस को लिस्ट कर लेते हैं। फोर्सेस आर, पहला फोर्स आपका हो गया एम बी जी डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स, दूसरा आपका क्या हो जाएगा टेंशन टी वन टुवार्ड्स लेफ्ट, टेंशन टी वन टुवार्ड्स लेफ्ट, और टेंशन टी टू आपका राइट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो ये थर्ड फोर्स आपका हो गया टेंशन टी टू टुवार्ड्स राइट, ठीक है, टुवार्ड्स राइट। और नेक्स्ट फोर्स आपका हो गया नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन अपवर्ड्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपका फ्रिक्शन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स टुवार्ड्स राइट, ठीक है। ये राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है आपका। अब देखिए मोशन हमारा कहाँ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो वर्टिकली वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्स है वो बैलेंस हो जाएगा एक दूसरे से, एज मोशन इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। देयरफोर एन इक्वल टू एम बी जी, ठीक है। इसे हम इक्वेशन टू एज्यूम करते हैं। एंड लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन है तो नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा टी वन माइनस टी टू माइनस म्यू टाइम्स नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल टू एम बी ए, ठीक है। और यहाँ हम टी वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टी वन हमारा आया था एम ए यूजिंग वन, ठीक है, एम ए इंटू जी माइनस ए माइनस टी टू माइनस म्यू, एन हम यूज करते हैं टू से, तो म्यू टाइम्स एम बी जी, ठीक है, इक्वल टू एम बी ए यूजिंग वन एंड टू, ठीक है। अब क्या हमें टेंशन टी टू को एक्सप्रेस कर लेते हैं एम ए और एम बी के टर्म में। तो टेंशन टी टू हो गया एम ए इंटू जी माइनस ए माइनस एम बी इंटू म्यू जी प्लस ए, ठीक है। और ये हमारा हो गया इक्वेशन थ्री। तो हमने ए और बी ब्लॉक का मोशन देखा, अब ब्लॉक सी का मोशन एनालाइज करते हैं हम। मोशन ऑफ ब्लॉक सी,
मोशन ऑफ ब्लॉक सी. ब्लॉक सी तो हैंगिंग है आपका, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम देख के बना लेते हैं. तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा एम सी जी, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन टी टू, और ये एक्सेलरेटेड है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में विथ एक्सेलरेशन ए. ठीक है, इसके फोर्सेस भी लिस्ट आउट कर लेते हैं. फोर्सेस आर, पहला आपका हो गया एम सी जी डाउनवर्ड्स, दूसरा फोर्स आपका क्या लग रहा है टेंशन, टेंशन टी टू अपवर्ड्स. मोशन तो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया टी टू माइनस एम सी जी इक्वल टू एम सी ए. ठीक है, और यहाँ हम टी टू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यूजिंग थ्री, तो ये हो गया एम ए इंटू जी माइनस ए माइनस एम बी इंटू म्यू जी प्लस ए माइनस एम सी जी इक्वल टू एम सी ए. ठीक है, यूजिंग थ्री. अब यहाँ देखें, यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन कॉमन ले लेंगे ए वाले टर्म के साथ जो जो है. ठीक है, एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इंटू ए इक्वल टू एम ए माइनस म्यू एम बी माइनस एम सी इंटू जी. ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी एम ए माइनस म्यू एम बी माइनस एम सी इंटू जी डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी. ठीक है, और यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारा एम ए है 15 केजी माइनस म्यू आपका 0.2 है और एम बी और एम सी 5 केजी डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी 15 प्लस 5 प्लस 5 और इनटू 10 ले लेते हैं जी की वैल्यू. ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए की वैल्यू 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए हमारा इक्वेशन 1 को यूज करके T1 हम फाइंड कर लेंगे. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 T1 इक्वल टू एम ए इंटू जी माइनस ए. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एम ए 15 हो गया, जी 10 माइनस 3.6 ये न्यूटन में आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 96 न्यूटन. ठीक है, और थर्ड इक्वेशन से आपका हम T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो T2 हमारा था फ्रॉम इक्वेशन 3. ठीक है, T2 इक्वल टू एम ए इंटू जी माइनस ए माइनस एम बी इंटू म्यू जी प्लस ए. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एम ए 15 हो गया, जी 10 माइनस 3.6 माइनस एम बी 5 म्यू 0.2 इंटू 10 प्लस 3.6. ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा T2 इक्वल टू 96 माइनस 28 न्यूटन, और ये हो गया हमारा 68 न्यूटन. ठीक है, हमें T1 एंड T2 फाइंड करना था. ठीक है, हेंस टेंशन इन लेफ्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज 96 न्यूटन जो कि T1 है, एंड टेंशन इन राइट स्ट्रिंग इज T2, और T2 हमारा आ गया 68 न्यूटन. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन.
बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।